वेलकम बैक टू अवर चैनल बंगाली लाइफस्टाइल विद मेघा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बाल भी ना बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं क्योंकि एक डेढ़ साल हो चुके हैं, मैंने काट ही नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और पापा के काम हो जाने के बाद ही हिंदू फैमिलीज में ऐसे रिचुअल्स होते हैं हिंदू रिलीजन में कि एक साल आप कुछ भी ऐसे बाल कटवाना हो या फिर न्यू ड्रेस पहनना या फिर आप कह सकते हो कोई शुभ काम करना, पूजा करना, ये सब अलाउ नहीं होती है। तो इसलिए एक साल चूल ना काटने की वजह से बहुत लंबे हो गए हैं, जो कि मुझे फेब्रुअरी में मैं सोच रही हूँ बालों के साथ में कुछ करूँ। कटिंग तो मैं करूँगी, उसके साथ देखती हूँ, मुझे स्मूथनिंग करने की शौक है क्योंकि ये मेरी नेचुरल बाल है। आज तक मैंने कुछ भी नहीं करवाई है, बस मैंने एक बार घर पे कलर की थी, एक बार या फिर दो बार। फर्स्ट टाइम मैं हाईलाइट की थी थोड़ी थोड़ी घर पे, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब कलर की थी लोरियल की कलर की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, बट वो कलर मुझे ऐसे नेचुरली है, जो हल्का ब्राउनिश है वैसे ही है। एज सच कुछ कलर दिखाई नहीं देती मेरे बालों में, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे जो बालों की कलर है ना वो जेड ब्लैक है बिल्कुल। तो दूसरे जो भी कलर है वो फर्स्ट बार में ही वो नहीं आती है कलर। तो जो भी हो गाइज, और हाँ मेरे जो भी सारे फूड चैलेंजिंग वीडियोस आप लोगों के सामने लाती हूँ ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं आगे चल के भी ऐसे लाते रहूँगी, जब भी मुझे मन होंगे तो मैं वैसे वैसे मैं वीडियो भी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और अभी तो सुबह के करीबन 9:30 हो चुके हैं, तो 9:30 तो हो चुके हैं, 9:45 भी बज चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ धूप मुझे दिखाई नहीं दे रही है। धूप तो नहीं है, क्लाउडी सी वेदर है। तो मुझे अभी जो है, तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, अभी तो धूप भी नहीं है, तो मुझे लगा मेरी जो एक ग्रीन चिली प्लांट है उससे मैं और भी प्लांट्स क्यों ना ग्रो करूँ, क्योंकि उसमें जो है 3-4 ऐसे रेड चिली हो चुके हैं, वो ड्राई भी हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगा सुबह सुबह क्यों ना मैं ये काम करूँ। एक इस तरीके की मैंने वन सेकेंड में दिखा, ये आप देख सकते हो इस तरीके की मैंने एक बोल ले लिया है। आप लोग चाहे तो मिट्टी की जो टॉप होती है फूल प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इस तरीके की नॉर्मल घर में जो बोल होती है प्लास्टिक की वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड इसके अंदर मैंने एक होल भी कर दिया है, आप देख सकते हो इधर पे, और इस होल से पानी वगैरह जो भी एक्सेस पानी हो जाएंगे वो इधर से निकल जाएंगे। तो किस तरीके से मैं लगाती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। एंड गाइस मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोगों को भी प्लांट्स पसंद हैं फूल वगैरह, देखिए हर एक जगह पे जाके खरीदना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाती, तो घर में हम सभी के रेड चिली, ग्रीन चिली, ये सब तो नॉर्मल है ही, होती ही होती है। तो रेड चिली को आप एक दो दिन धूप में अच्छे से करारा धूप लगा लीजिए, वो जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे फिर आप जो है उससे ही बहुत सारे चिली प्लांट आप लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो वही मैं करूँगी, पता नहीं मैं कितना सक्सेस हो पाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं की थी, ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम जब की थी वो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए थे, उसमें चिली भी आए थे, तो बहुत इजी है। तो चिली मैं दिखाती हूँ, और एक मैंने इस तरीके की कैची भी ले लिया है क्योंकि मैं डायरेक्ट हाथों से मैं टच नहीं करूँगी, तो ये कैची मेरी मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं छत में, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। तो गाइस मैं तो आ चुकी हूँ छत में, और बिल्कुल ही फॉगी फॉगी सी जैसे वेदर होते हैं ना, धूप नहीं है चारों साइड में, कैसे क्लाउडी सी वेदर लग रही है। तो जो भी हो गाइस, मेरे पास ना बस ये वाला ही एक ही मेरे पास ग्रीन चिली की प्लांट है, और इसी से मैं और भी ग्रीन चिली की प्लांट में लाने के लिए सोच रही हूँ, और भी ग्रो हो प्लांट्स वगैरह। तो चलिए मैं सामने से आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। तो गाइस ये वाली एक ही मेरे पास ग्रीन चिली की प्लांट है, और ये जो रेड हो चुके हैं ना बिल्कुल ड्राई भी हो चुके, मैं सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड ये थोड़ी सी अब मुरझा गई है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो इसी से मैं और भी प्लांट्स को ग्रो करूँगी, और इधर पे ढेर सारी आप देख सकते हो फ्लावर्स आई है, चिलीज भी स्टार्ट हो गई है आना, आप आई होप आप लोग देख पा रहे हो, वन सेकेंड ये देखिए। तो जो भी हो गाइस, मैं सबसे पहले तो इधर से चिलीज को मैं काट लेती हूँ, ओके। तो मैं कैची के इस्तेमाल करने वाली हूँ इधर पे,
हाथ नहीं लगाऊंगी। एक दो बस दो से हो जाएंगे होप सो, और अगर ज़रूरत पड़े तो और एक भी है इधर पे, तो चलिए इसी से मैं काम चलाती हूँ। तो गाइज इधर पे मैंने मिट्टी भी लेके आ चुकी हूँ, और ये वाली जो मिट्टी है ना ये मेरी पुरानी मिट्टी है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी खाद भी मिलाई हुई है, इसमें पत्ते वाली जो खाद होती है ना वो ही मिलाई हुई है। तो अभी मुझे जितना ज़रूरत पड़ेंगे मैं इस बोल में मैं सबसे पहले ले लूँगी, तो उधर पर मैं रख रही हूँ, और मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही डालूँगी इसके अंदर। और ये मिट्टी डाल देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो इधर पे मैंने हाफ बोल से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर मैंने मिट्टी लिया है, और अभी मिट्टी को मैं थोड़ी सी गीला कर लूंगी, सीड्स डालने से पहले मैं हल्की सी गीला कर दूंगी, और इसके लिए मैं इधर पे पानी भी ले लिया है, और हल्के से मैं इसके अंदर गीला कर दूंगी। ओके तो अभी आप देख सकते हो, तो मैं हल्के से गीला करने के बाद इधर पे कैंची कहाँ गई, तो ये जो ग्रीन चिली सॉरी रेड चिली है अभी मैं इसको, ये वाली जो है इसको ऐसे तोड़ूंगी आप देख सकते हो, और अभी मैं कैंची से काटूंगी। और गाइस मैं सीड्स को हाथ नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही मैं इसको ओपन करके इसके अंदर में पूरा दे दूंगी। तो चलिए मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने कैंची से काट लिया है, और ये कुछ इस तरीके से है दिखने में सारे सीड्स, और ये बहुत ही तीखे हैं स्मेल से ही मुझे पता चल रही है, और अभी मैं कैंची की मदद से इसको इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो गाइस इधर पे मैंने सारे मिट्टी को मिट्टी के अंदर सीड्स को डाल दिया है, और अभी मैं इसके अंदर और भी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं देना है, बस हल्के से ऊपर से मिट्टी को दे देना है कुछ इस तरीके से, ताकि सीड्स दिखाई ना दे, बट मोटी लेयर नहीं होना चाहिए। ओके
तो गाइस इधर पे हल्की सी धूप आ रही है, तो अभी मैं इधर पर ही रहने दूंगी, तो देखेंगे कितना दिन टाइम लगती है। तो अभी तो मैंने हल्की हल्की धूप भी आना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने रख भी दिया है। तो पता नहीं अच्छे से प्लांट्स वगैरह निकलेंगे या फिर नहीं, होप करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि अच्छे से 5-6 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट दिखने को मिल जाए। तो जो भी होंगे मैं इसका अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले हाथ धोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रही है, क्योंकि ये जो रेड चिली की स्मेल आ रही थी ना बहुत ही तीखी है, स्मेल से ही पता चल रही है, और नेल के अंदर आप देख सकते हो मिट्टी घुस गई है। तो अभी मुझे अच्छे से हाथों को क्लीन करनी है, थोड़ी सी भी लंबी अगर नेल हो ना आपके हाथों में, कुछ भी काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस ये वाला जो लिप शेड आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने न्यू लगाई है, न्यू शेड है, 4 से 5 ऐसे न्यू शेड्स लाई हो। तो इस तरीके की शेड इससे पहले मैं कभी भी नहीं लगाई हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं, कभी भी नहीं लगाई हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। तो मुझे ना ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रही है मेरे फेस के साथ, स्किन टोन के साथ ये खास जा नहीं रही है, फिर भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, हो सकता है मुझे जो कैमरे में अच्छी नहीं लग रही आप लोगों को शायद लगे, आप लोग मुझे बताना ये वाली लिप शेड मुझ पे कैसे लग रही है। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बताना, जो भी सारे न्यू लिप शेड है वो मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में दिखाऊँगी। और मिट्टू फिलहाल अभी चीख रही है, तो जो भी उसको मुझे नहाने के लिए लेके जाना है बाहर धूप में, क्योंकि आज खास कुछ करारा धूप नहीं है, तो और थोड़ी सी आधा घंटा बीत जाए, 12-12:30 बजे मैं उसको नहलाऊंगी। और ये वीडियो को मैं कैसे लंबा करूं मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं जितना खींचूंगी वो और लंबे हो जाएंगे, क्योंकि उधर पे उस घर पे सारे काम निपटाने के बाद, मेरी पेट्स के और भी मेरे बिजनेस के कुछ काम थे वो निपटाने के बाद, प्लांट्स वगैरह में लगाई, उसके बाद फ्रेश हुई, फिर इधर पे आके मैंने ब्रेकफास्ट की, मेरी नहाना धोना हो गई है कंप्लीट। और अभी तो फिलहाल मैं नानी घर पे ही हूँ, बहुत दिनों से हर रोज़ की आना जाना लगे रहते हैं, और एक हफ्ते के अंदर हम लोग हमारे खुद के घर पे चले जाएंगे, बहुत ही जल्द जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना इधर पे है। और ग्रीन चिली लगाते लगाते वीडियो इतना लंबा हो गई है कि अगर मैं इस वीडियो को और ज़्यादा बड़े करूँगी तो ऑफकोर्स आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार मिट्ठू को आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी मिट्ठू को लेके नहाने, और मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। तो चलिए मैं मिट्ठू को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये रही आप सबकी प्यारी मिट्ठू, छोटू से मिट्ठू, विंडो भी खुली हुई है, आप लोग मत सोचना कि जब मेरी मिट्ठू रूम पे खुले हुए रहते हैं तो विंडो बंद होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं रहूँ तो मेरी गोदी में ही बैठे हुए रहते हैं, और इसका पर वगैरह मैंने कभी भी ट्रिम नहीं किया है, जैसे पहले थे वैसे ही है। अभी मैं किसी नहीं कर सकती, लिपस्टिक है ना बाबा, वो देखिए उसको भी प्यार चाहिए, नहाना है, चलो। तो इधर पे लाइट भी कैसे अंधेरा अंधेरा सी आ रही है, क्योंकि पता नहीं ये वाला लाइट ऑफ करने से सही आए। तो जो भी हो गाइस, इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगी, इस वीडियो को मैं इधर पर ही एंड करूँगी, क्योंकि इसको भी मुझे टाइम देनी है, इसको भी नहलानी है। अच्छा तो ये ब्रेकफास्ट भी मुझे करनी है, देखो लिपस्टिक लग गई ना, उसको वो सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस ऐसे करो, उसको गोदी में ले लो, और कुछ नहीं चाहिए मेरी मिट्ठू को, प्यारी मिट्ठू। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, और क्या क्या वीडियो में देखना चाहती हो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और हेयर केयर के ऊपर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।